25,000 के बजट में ये फोन एक परफॉर्मेंस मशीन है बट क्या इसमें भी कुछ कमी है ये डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई पढ़ लेने वाला बहुत सारी स्टिकरिंग भी दे दी गई है काफी फ्लेक्सिबल कवर है मतलब स्टडी है भाई का ओहो हो हो। तो तो आ ये मतलब प्रीमियम लग रहा है यार मतलब मैटेनिक वाइब है मेरे को लगा था मतलब ऑनलाइन की भाई थोड़ा सा प्लास्टिक ही होगा ये स्टिकर है दोस्तों <laughs> वन प्लस भाई देखा जितने लोग देखते हैं उसमें से नाइन एन परसेंट लोग सब्सक्राइब नहीं करते सो सब्सक्राइब सो वन प्लस ब्रांड का जो कोर एक्सपीरियंस है वो इस मिड रेंज फोन के थ्रू वन प्लस आपको एक्सपीरियंस कराना चाह रहा है और इस फोन को लेने में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल रैम वेरियंट में ही आता है दो ऑप्शन के साथ जिसमें एक में वन ट्वेंटी स्टोरेज मिलेगा और एक पे टू स्टोरेज और दोनों में ही एट जीबी रैम ये दो कलर ऑप्शन पे अवेलेबल है मेरा डार्क क्रोम वेरियंट इसमें ग्लॉसी ग्रे फिनिश आपको मिलेगा और एक, एक मार्वल भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या प्रोसिएशन है। क्योंकि एक नए लुक के साथ लॉन्च हुआ है तो इंडिया में जितने भी नॉर्ड के मॉडल्स अवेलेबल है उनके बगल में इस फोन को रखोगे तो ये ज्यादा फ्रेश लगेगा इसका भी रियर पैनल पॉलीकार्बोनेट से बना और इसमें फिंगर प्रिंट्स लगते रहते हैं हैं जा जाते है भाई बट कवर तो दिया ये तो भाई वही लगा के रखो बट इनका ब्राइट कलर वे की वजह से उस मजेज आपको एक स्पेसिफिक एंगल पे दिखता है हमेशा नहीं दिखता इसका जो एज डिजाइन है अलॉन्ग विद इट्स मार्बल जैसा टेक्सचर उनकी वजह से डिजाइन वाइज ये बहुत से मिड रेंज डिवाइस से बेटर लगता है दिखने में और मुझे ये भी अच्छा लगा इसका जो कैमरा मॉड्यूल डिजाइन है उसको भी इन्होंने थोड़ा सा लंबा और बाहर की तरफ निकला हुआ रखा है और उसके नीचे जो मार्बल डिजाइन है वो काफी सही लगता है यार मतलब ऐसा लगता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स गिरे थे इस पे और वो जम गए तो यार यूनिक सी वाइब है इसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा स्लोपी है साइड पैनल्स की तरफ एज यू कैन सी और साइड पैनल टोटली फ्लैट दिए गए इस पे उधर एक मेटेलिक वाइब फील होता है टच करने पर और ये सिलिकन का कवर तो दिया है इन्होंने बहुत सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है वन प्लस ने यह भी क्लेम किया कि इसका डिजाइन इतना, इतना सॉलिड है कि डेढ़ मीटर तक के फॉल को आ, क्या कर सकता है वो क्या कहते हैं कंपनी क्लेम करती है कि ये फोन डेढ़ मीटर का फॉल भी सर्वाइव कर जाएगा बट मैं वो टेस्ट नहीं करना चाहूंगा और

एन एम प्रोसेस बेस्ड इस फोन में ये प्रोसेसर एक अच्छा पावर इफिशियंट प्रोसेसर की तरह काम करता है और वही मिड रेंज लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा यहाँ पे आपको और इसका स्टोरेज स्टोरेज है ये फोन हाइब्रिड सिम मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है जिसमें आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हो या फिर सिम कार्ड और माइक्रो एस डी कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो इसमें डुअल बैंड डूबल फाइव पॉइंट फोर भी है इसमें और सबसे तगड़ा वाट है साढ़े पांच हजार एम एच की बैटरी कैपेसिटी है इसमें फोन बहुत लंबा चलता है वही और चार्जर और भी फेवरेट पार्ट हंड्रेड वॉट का चार्जर कमिंग टू सॉफ्टवेयर ऑक्सीजन ओएस सपोर्ट करता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 और अपडेट्स आते ही रहते हैं ने है दो साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और तीन साल का सिक्योरिटीड तो like नोटिफिकेशन तो मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया बड़ा कुछ डबल एप्स थे लाइक like ब्राउजर्स इसके सॉफ्टवेयर में फ्लू क्लाउड वाला भी सपोर्ट है क्योंकि तो मेरे हिसाब से आईओ के डायनेमिक आइलैंड वाले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है और सपोर्टेड एप्स के साथ ये चीज काम करती है इस फोन में स्मार्ट सजेशन भी सब सपोर्ट करता है वही आईओ के लाइव एक्टिविटीज की द्वारा बट दो ही सपोर्ट करते हैं फीचर जो की जोमेटो इसमें इनेबल्ड भी लाइक स्मार्ट इमेज मैटिंग जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स या लोगों को एक इमेज से उठा सकते हो और स्मार्ट टच का भी सपोर्ट है जिसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और लास्टली इसका फाइल आपको फाइल से इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करने में हेल्प करता है स्मार्ट स्लाइड बार से सपोर्ट एप फोन में ये फोन आपको वेल ट्यून्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है बजट के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली आप कर सकते हो और इसके जो बेंचमार्क स्कोर्स थे वो कुछ कुछ डिवाइस जो इससे महंगे उनसे काफी बेटर रहा है सी फोर का एंटी टू बेंच मार्क स्कोर आठ लाख से जस्ट ऊपर रहा है वन थाउज वन फिफ्टी फोर थ्री थाउजेंड स्कोर सिंगल कोर और मल्टी कोर टेस्ट में कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेला और ये बस और तक में जा रहा था और डिस्प्ले बिल्कुल भी हीट हुआ सिक्स गेम इसका टू फोर्टी रेट है बट कुछ मोमेंट्स पे लैस नाइन परफॉर्म करा इस फोन ने मतलब सिक्सटी एफीएस मोड पर रन कर रहा आउट द टाइम इसके ग्राफिक्स बहुत सही लग रहे थे इस फोन के डिस्प्ले और गेम प्ले बहुत स्मूथ रहा है मेड रेंज के हिसाब से ग्राफिक परफॉर्मेंस वाइज फोन ने अच्छा परफॉर्म करा है। पर जब फर्स्ट शूटर गेम्स की बात आती है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलने वाले प्रीवियस मॉडल में भी थाने तो भी एच डी आर टेन का सर्टिफिकेशन होल्ड करा है और वगैरह अगर आप यूज नहीं करते हो तो स्टीरियो स्पीकर दे रखे जो कि यार सफिशियंट है गेम्स खेलने के लिए कैजुअली और मूवीज देखने के लिए एच डी टेन का सपोर्ट इसमें नेटफ्लिक्स के लिए अवेलेबल है और कंटेंट ब्राइट थोड़ा अपियर होता है उसमें इज अ गुड थिंग और डायनेमिक रेंज भी इसका काफी सही लगता है तो विजुअल्स इंप्रेसिव है भाई ब्राइटनेस सफिशियंट है सनलाइट वगैरह को टैकल करने के लिए और डिस्प्ले कलर नेचुरली लगते, है लगते हैं ज्यादातर और टेक्स्ट और इमेजेस शार्प लगते हैं हालांकि इसमें फुल एच प्लस डिस्प्ले और यार थैंक्स टू तो इसका मैसेव बैटरी लाइफ कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है तो कैजुअल यूजेज की जाए तो आप डेढ़ दिन तो इजिली चला सकते हो उसको बिना किसी चार्जर के इसमें अगर आप एक घंटा का रीडी गेमिंग भी इंक्लूड कर दो ढाई घंटे वीडियो और आधे घंटे का कैमरा यूज और इन सब चीजों के बावजूद मैं ये स्टार्ट बता रहा हूँ आपको डेढ़ दिन वाला और बिना कैमरा यूसेज या के दिन तक कभी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है और आपका फोन मर जाए तो बैक टू लाइफ लाने के लिए इस रेंज जो स्मार्ट से उनके में स्मार्टफोन में वन का जो ट्राइड और टेस्टेड सोनी एम्सर वगैरह में लगा रहता था उसको चेंज कर दिया प्राइमरी कैमरा में विध फि का नया एलवाई टी सिक्स हंड्रेड हाफ बट इसका जो एट मेगा का अल्ट्रा अल्ट्राइड कैमरा है उसमें सोनी एम एक्स थ्री फिफ्टी फाइव यूज हो रहा है और सिक्सटीन मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा सेम है पिछले मॉडल की जैसा और बहुत से कैमरा मोड्स के साथ ही आता है इसका प्राइमरी कैमरा वाइब्रेंट इमेजेस कैप्चर करता है और एक सही रेंज में रेंजुरेटेड कलर इंप्रेसिव है so, में भी अच्छी डिटेल्स आती है जब आप ब्राइट डे में शूट कर रहे हो फोटोज ओवरशेप नहीं होते और एक सही हद तक नेचुरल डेप्थ ये देता है आपके फोटोज को और ये सेपरेशन भी काफी सही रेंज का प्रोवाइड करता है जब आप ऑब्जेक्ट्स की फोटो ले रहे हो या फिर लोगों की फोटो ले रहे हो सोचिंग टू टू एक्स डिजिटल क्टेड बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं है ये प्राइमरी कैमरा के, के भाई डिजिटल क्रॉप सी है मेरे हिसाब से इससे बढ़िया आप क्लोजअप वगैरह ले लो चीजों तो का लूज करने के लिए जाओ शूट कर रहे हो, ऐसे वक्त पे शूट करो जो लाइट बढ़िया पे इस फोन में डेडिकेटेड माइक्रो कैमरा नहीं है सो नॉट सी के तरह बहुत क्लोजअप आप शूट नहीं कर सकते हालांकि पंद्रह बीस सेंटीमीटर क्लोज आ सकते हो जो की काफी है मेरे हिसाब से बट थैंक्स टू इसका वाइट पर्चर वो एफ वन एक नेचुरल बोके आपको मिल जाएगा और लो लाइट में जब आप फोटोज क्लिक करोगे तो आपके डिटेल्स को धक्का लगेगा थोड़ा सा और टेक्सचर थोड़े फ्लैट अपेयर होंगे। कुछ पोर्शंस में पेंटिंग भी लग सकता है भाई। उतना डिटेल नहीं रहता लो में। और कम लाइट में, में अच्छा काम नहीं करता तो आपके फोटो के कम डिटेल्स होंगे स्विचिंग टू अल्ट्रावेट कैमरा से डिस थोड़े से लोअर साइड पे रहेंगे बट इस के भाई एवरेज है मतलब लो लाइट फोटो थोड़े से दूर रहो बट इन सब चीजों के बावजूद प्राइस पॉइंट याद रखना डे लाइट में सेल्फीज लेने में एक डिसेंट डिटेल प्रोवाइड कर देता है पोर्ट्रेट मोड के लिए एज डिटेक्शन

ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता इसी प्राइस पॉइंट पे कोको के एक्स एक प्रो वगैरह का कैमरा बहुत बेटर है इससे बट वन प्लस का ब्रांड वैल्यू बहुत सही है और सर्विसेज भी अच्छा प्रोवाइड करता है जिसकी प्रायोरिटी बैटरी लाइफ वगैरह बहुत लंबा चलाना है सही परफॉर्मेंस लेना तो नॉट सी फॉर उन्हीं के लिए बड़े लाइफ के तीन रूल से फॉलो करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये वीडियो मैंने बनाया था टेक्नोलॉजी बैंड पे बहुत ही तगड़ी वीडियो जाके देखो एंड बाय